नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शहीदों की स्मृति में गणतंत्र फुटबॉल कप का हुआ आगाज। खनिज नगरीय के नाम से विख्यात उकबा जिले फुटबॉल की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों में फुटबॉल के प्रति एक अलग ही दीवानगी है, अलग ही चाहत है, जिस कारण उकबा क्षेत्र में हर महीने कहीं न कहीं फुटबॉल का आयोजन होता रहता है। इसी तारतम्य में उकबा की प्रसिद्ध फुटबॉल टीम इमानुएल स्पोर्ट्स क्लब द्वारा विगत 30 वर्षों से निरंतर उकबा नगर में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहीदों की याद में गणतंत्र कप के नाम से किया जाता है, जहां क्षेत्र की अनेक टीम हिस्सा लेती हैं। इस प्रतियोगिता का भव्य समापन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन भव्य तिरंगा रैली और अनेक आकर्षक आयोजनों के साथ किया जाता है। इस वर्ष भी इस आयोजन को और यादगार बनाने के लिए अनेक आयोजन आयोजक समिति द्वारा किए गए हैं। आज नगर में इस कप का शुभारंभ युवा समाज सेवी एवं सर्वधर्म सेवा समिति के अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य धारा सिंह मर्स कोले एवं ग्राम सरपंच अशोक बरकड़े के मुख्य आतिथ्य एवं ग्राम वार्ड मेंबर गजेंद्र यादव, वरिष्ठ खिलाड़ी विनय तांडी, प्रीतम यादव, सूरज यादव, संतोष साहू आदि की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया, जहां सर्वप्रथम देश की दिवंगत शहीदों को याद कर उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर राष्ट्रगान के साथ प्रथम मैच का शुभारंभ अतिथियों द्वारा किया गया। आज का उद्घाटन मैच पिंडे के पार एवं जूनियर बॉयज के मध्य खेला गया, जिसमें पिंडे के पार विजय घोषित हुई। कार्यक्रम का संचालन नीरज ढाले, विशाल भंडारी, नॉन्टी रंगड़े, केतन, उमेश छोटू आदि के द्वारा किया गया। विजेता टीम को नगद राशि के साथ ही आशीष बारीक भोपाल द्वारा अति आकर्षक ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी, साथ ही अनेक व्यक्तिगत पुरस्कार दिए जाएंगे।